जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने विहिप के संत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज धर्मांतरण हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। हिंदू समाज सहनशील है, धैर्यवान है, लेकिन उसके धर्म के अस्तित्व पर जब संकट खड़ा होगा तो उसका जवाब देने में हम सक्षम भी हैं। शरीफ में, इस आयत में, इस नूरा में, इस सूरा में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है और काफिर को मार देना चाहिए। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, इस ढंग से पूरी दुनिया को दो हिस्से में बांटा गया है। ये इनकी हिम्मत है कहने की, क्योंकि जानते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से विदा आ जाएगा सामने। ये तो हम सब लोग सहिष्णु हैं, इसलिए ये सब ऐसे कह ले रहे हैं। जिस दिन हमारे संत समाज का उपदेश आ जाएगा उस दिन भी रास्ते पर आ जाएंगे। संत सम्मेलन में शंकराचार्य ने आगे कहा कि आज हिंदू समाज के मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। प्रयागराज द्वादश माधव के स्थानों को भी सुरक्षित किए जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरे संत समाज से आग्रह करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहा है उसमें वह अपने मठ और मंदिर छोड़कर उनके साथ निकले और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करे। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के साथ संत चट्टान की तरह खड़े हैं। जो भी हिंदू समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संत समाज तैयार है। अगर हमने धर्मांतरण का विरोध नहीं किया तो हम मिटने के लिए तैयार रहे। बागेश्वर धाम का समर्थन तो करते ही हम सब लोग, सारे संत समर्थन करते हैं उनका, क्योंकि वो भोले भाले आदिवासी वनवासी लोगों को जो बिस्किट बांट करके, दवाई बांट के, कंबल बांट करके ईसाई बना रहे हैं, ऐसे लोगों के षड्यंत्र से दूर कर रहे हैं, इसलिए इन मिशनरियों को तो परेशानी होगी ही होगी। सतुआ बाबा ने कहा, हिंदू समाज की एकता गांव गांव में सत्संग वेदों के प्रचार प्रसार के माध्यम से हो सकती है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लव जिहाद दंड का प्रावधान हो जिसे संत तय करे। जगतगुरु रामानुजाचार्य विद्याचार्य वासुदेवाचार्य ने घोषणा की कि 10 पेजों की एक बुकलेट हिंदू परिवारों के संस्कार लव जिहाद धर्मांतरण पर रोक के विषय पर संत समाज तैयार कर उसे घर घर संत समाज के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। समलैंगिकता पर उन्होंने कहा, ये संस्कार को समाप्त करने और हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने का कुचक रचा जा रहा है। संतों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के जैसा धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाने की एक स्वर में हुंकार भरी। महामंडलेश्वर हरिहरानंद महाराज ने कहा, लव जिहाद और धर्मांतरण की योजना हिंदू समाज को तोड़ने के लिए आसुरी शक्तियों द्वारा की जा रही है। हिंदू धर्म वैश्विक शांति की कामना करता है। पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाले लोग लोभ लालच और वैसे धर्मांतरण का कुचक आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में अनुसूचित ग्रामों में रच रहे हैं। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। धर्म रक्षा ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। संतों ने एक स्वर में कहा, घर वापसी जारी रहेगी। इसके लिए जो भी प्रयास करना होगा संत समाज करेगा। जब भी हिंदू समाज पर, हिंदू संस्कृति और धर्म पर आक्रमण होगा, संत समाज चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। के लिए ये लोग उस समय मोहम्मदन हो गए थे, बड़े बड़े लोग हमारे समाज में अपनी सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए ये मोहम्मदन हो गए थे मुस्लिम शासन काल में, या फिर भयभीत होकर के हो गए थे, इन्हीं दो कारणों से हुए थे। तो वो स्थिति आज भी इन लोगों के अंदर है, डीएनए तो वही है। इसलिए अगर इनके सामने वो स्थिति आ सकती है कि अब भारतवर्ष में हमें रहना है तो भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार ही रहने में हमारा कल्याण है, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके और रहने लगेंगे, और ये आवश्यक है। इसलिए घर वापसी होनी चाहिए, इसलिए घर वापसी कह रहे हैं। हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं किया जाता है, अपने घर में वापस आ जाइए। दिन भर के भूले हुए शाम को अगर वापस लौट के आ जाएं तो भूले नहीं कहे जाते, फिर भी हम अडॉप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। संतों ने लाखों किलोमीटर की यात्रा करके श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। काशी और मथुरा को हम मुक्त करा कर ही मानेंगे। धर्मांतरण और लव जिहाद को बॉलीवुड के जरिए हिंदू समाज में जहर घोलने का कार्य कर रही है। हम अपने जाति मत पंथ संप्रदाय की एकता को विघटित नहीं होने देंगे। हम तोड़ने नहीं जोड़ने पर विश्वास रखते हैं। राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान की भी आवश्यकता पड़ी तो संत समाज बलिदान देने को तैयार रहेगा।
इसके लिए तो हम सब लोग स्वयं ही बिना किसी धर्म संसद और बिना किसी मार्गदर्शक मंडल के, बिना किसी बैठक के, हम लोग स्वयं गांव-गांव जा करके और लोगों को सचेत कर रहे हैं। पठान जैसी फिल्म के विषय में बोल रहा हूं कि रंग बेशरम, बेशरम क्या हुआ भाई? जो भगवा रंग जो आदि शंकराचार्य आदि रामानुजाचार्य का रंग है, वह भगवा का रंग जो है बेशर्म रंग कैसा हो गया आखिर? जिसने देश के शर्म को सुरक्षित रखा, देश की लज्जा को सुरक्षित रखा, भारतवर्ष को सुरक्षित रखा, भारत की एकता अखंडता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान रामानुजाचार्य ने यात्राएं की, भगवान शंकराचार्य ने यात्राएं की गांव-गांव तक, भगवान रामानंदाचार्य ने जन जन तक जाकर के जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सारे दलित वंचित शोषित सारे समाज को एक किया। तो ये तो संत महात्मा लोग जो हैं ये स्वयं करते रहते हैं धर्म संसद के माध्यम से, उसको एक और प्रगाढ़ रूप और बलिष्ठ रूप दिया जाता है। जैसे बागेश्वर धाम का एक तरीके से विरोध किया जा रहा है और